प्रिय शिक्षार्थियों इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे भक्ति काल के एक अन्य कवि रैदास के बारे में साथ ही उनके कुछ पदों को पढ़ेंगे शिक्षार्थियों आप तो जानते ही हैं कि संत किसी देश या जाति में नहीं अपितु पूरे मानव समाज की अमूल्य संपत्ति होते हैं यह अजब संयोग है कि हमारे देश के महापुरुष और संत अपने विषय में प्राय मौन ही रहे रैदास भी इसी प्रकार के संत थे इससे उनकी गरिमा में सदैव वृद्धि ही हुई कभी उनके परवर्ती शिष्यों ने उनके विषय में कुछ लिखा तो कभी जनमानस में प्रचलित जनश्रुतियों से ही उनके जीवन और मूल्यों का कुछ बोध हमें होता है अनेक ग्रंथों में इनके अनेक नाम प्रचलित हैं किंतु अधिकतर विद्वानों की मान्यता अनुसार इनका नाम रैदास था कुछ पदों के आधार पर उनकी जाति कुल परिवार और निवास की स्थिति की कुछ जानकारी हमें मिलती है भक्ति काल के अनुसार रैदास रामानंद के शिष्य थे कई साक्ष्यों के अनुसार कबीर और रैदास समकालीन थे संत रैदास ने कुल कितनी रचनाएं की यह भी ठीक से ज्ञात नहीं है फिर भी जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें रैदास बानी रैदास जी की साखी तथा पद और प्रहलाद लीला आदि प्रमुख हैं शिक्षार्थियों सामूहिक जन चेतना को जागृत करके शोषित मानवता में नवीन स्फूर्ति का संचार करने वाले उच्च कोटि के विनम्र संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है उन्होंने उस समय के धार्मिक आडंबरवादियों के प्रति क्षमाभाव भी प्रकट किया भक्तिभाव में प्रति क्षण रहते हुए भी रैदास ने समाज की आवश्यक मांगों को पहचान कर अपनी बात कही संत रैदास की रचनाओं में भक्ति भाव के ही हमें दर्शन होते हैं अब हम रैदास के कुछ पदों का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इन पदों में किन भावों की अभिव्यक्ति की है हमारा पहला पद है नरहरि चंचल है मति मेरी कैसे भक्ति करूं मैं तेरी तू मोही देखे हाँ तो ही देखूं प्रीति परस्पर होई तू मोही देखे तो ही न देखूं यह मति सब बुद्धि खोई सब घट अंतर रमसी निरंतर मैं देखन नहीं जाना गुन सब तोर मोर सब औगुण कृत उपकार माना मैं तें तोरी मोरी असमझी सौ कैसे करी निस्तारा कह रैदास कृष्ण करुणामय जय जय जगत अधारा इस पद में कवि रैदास ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है जिसका न आदि है न अंत दूसरी ओर भक्त माया से बंधा रहने के कारण अत्यंत चंचल रहता है भक्त की इसी विवशता का यहाँ वर्णन किया गया है रैदास कहते हैं हे ईश्वर मेरी बुद्धि अत्यंत चंचल है आप ही बताएं कि मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं अर्थात मैं माया जाल में फंसा होने के कारण सदैव किसी न किसी बंधन में बंधा रहता हूं जिससे मैं पूर्णतः एकाग्र होकर ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा हूं यही मेरी विवशता है जिसे मैं आपके सम्मुख व्यक्त कर रहा हूँ शिक्षार्थियों कवि उस निराकार ब्रह्म को संबोधित करके कहता है कि तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सर्वव्यापी है किंतु मैं तुम्हें देख नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा कोई रूप ही नहीं है तो भला प्रीति कैसे हो यद्यपि मनोवैज्ञानिक नियम तो यही है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तब आकर्षण बढ़ता है तभी प्रीति होती है अतः किसी को बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है इसलिए बिना तुम्हें देखे प्रीति करना तो चाहता हूँ किंतु मति भ्रमित हो जाती है प्रीति नहीं कर पा रहा हूँ मैं तुम सबके हृदय में सदैव विराजमान हो तुम में गुण ही गुण है और मुझ जैसे माया मोह में फंसे जीव में अवगुण ही अवगुण भरे हैं यहाँ तक कि तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार को भी मुझ जैसा अवगुणी समझ नहीं पाता वे आगे कहते हैं कि मैं अपनी नासमझी के कारण सदैव अपने पर आए हमारे तुम्हारे की माया में फंसा रहता हूँ भला तुम ही बताओ कि मैं उस द्वंद्व से कैसे छुटकारा पाऊँ रैदास कहते हैं कि हे करुणामय कृष्ण यह सारा संसार तुम्हारे ही सहारे चल रहा है मैं तुम्हारी जय जयकार कार करता हूँ संत रैदास भारतीय अद्वैत वेदांत के समर्थक थे जिनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है आत्मा माया में लिप्त होने के कारण ही जीव कहलाती है जीव माया में लिप्त रहता है और नश्वर है चंचल है अस्थिर है ब्रह्म निर्गुण है अचल है और अटल है शिक्षार्थियों अब हम अगला पद पढ़ते हैं अगला पद है जिह कुल साधु बैसनी होई बरन अबरन रंकु नहीं इसरु बिमल बासु जानिए सोई ब्रह्मन बैस सूद अरु क्षत्रि डोम चंडार मलेच मन सोई होई पुनीत भगवत भजन तय आपू तारी तारे कुल दोई धनी सुगाऊ धनी सोठाऊ धनी पुनीत कुटुंब सब लोई जिनी पिया सार तजे आन रस होई रस मगन डारे होई पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबरी अरु न कोई जैसे पुरेन पात्र है जल समीप भनी रविदास जन्म में जगी होई। शिक्षार्थियों इस पद द्वारा संत रैदास यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग में जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता नीच कही जाने वाली जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसके हृदय में प्रेम भक्ति का संचार है वह उस ब्राह्मण से कहीं अधिक अच्छा है जो भगवान की भक्ति के प्रति उदासीन है संत रैदास भक्ति की महत्ता उसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिस कुल में ईश्वर भक्त जन्म ले वही कुल उच्च और पवित्र कुल माना जाता है चाहे वह सवर्ण कुल हो या अवर्ण गरीब हो या अमीर कहने का तात्पर्य यह है शिक्षार्थियों कि ईश्वर की दृष्टि में सच्चा भक्त या ईश्वर का प्रिय व्यक्ति वही है जो पुण्यात्मा है अच्छे कर्म करने वाला है और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है आगे की पंक्तियों में कवि अपने इन्हीं विचारों की पुष्टि में कहते हैं कि चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग किसी भी जाति का क्यों न हो यदि वह सच्चे मन और पवित्र भाव से भगवान का भजन करे तो उसे स्वयं तो मुक्ति मिलती ही है साथ ही उसके दोनों कुल अर्थात माता पिता के कुल मुक्ति पा जाते हैं कवि के कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान के भजन में बहुत शक्ति है जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम रूपी रस का पान कर लिया है उन्हें सांसारिक रस में कोई आनंद नहीं आता वह तो अपने प्रेम रूपी रस में ही मगन हो सांसारिक माया रूपी विषाक्त आकर्षणों को खोई के समान फेंक देता है खोई अर्थात जब हम गन्ने का रस निकालते हैं तो रस निकलने के बाद जो अनुपयोगी पदार्थ बचता है उसे खोई कहा जाता है आगे कवि भक्त की महता बताते हुए कहते हैं कि पंडित वीर छत्रपति राजा कोई भी क्यों ना हो वे भक्त की बराबरी कर ही नहीं सकते भक्त तो इन सब से ऊपर है कबीरदास यह भी कहते हैं कि इस संसार में उसी तरह रहना चाहिए जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है जो जल में ही पैदा होता है और जल से ही प्राण शक्ति ग्रहण करते हुए भी जल की एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता और पानी के ऊपर ही तैरता रहता है इसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में पैदा होकर भी इसी में रहते हुए संसार से निरपेक्ष रहकर भक्ति में लीन रहना चाहिए संत रैदास अत्यंत सहनशील और सहिष्णु संत थे अतः जिस बात को बुरा भी मानते थे उसे बड़ी सहिष्णुता से समझाते थे जैसे भक्ति के क्षेत्र में जाति पांति का भेदभाव वे भ्रमपूर्ण मानते थे फिर भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर टीका टिप्पणी न करके उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति बराबर है चाहे वह किसी जाति या व्यवसाय का हो यद्यपि जाति व्यवस्था की जड़ें हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में बहुत गहरे तक व्याप्त हैं किंतु स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक संवैधानिक प्रयासों से ये जड़ें हिलाई जा चुकी हैं शिक्षार्थियों आप तो जानते ही हैं कि वर्तमान स्थिति में जाति की सीमा नगण्य है न के बराबर है अर्थात मनुष्य का कर्म ही महत्वपूर्ण है आप ध्यान दें कि आज से हजारों वर्ष पूर्व तैदास जैसे संत कवि ने मनुष्य को इस संकीर्णता से ऊपर उठकर ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ाया था जो मूल रूप से हमें नैतिकता की ओर लेकर जाता है ईश्वर के दरबार में सब बराबर हैं हम उसी की संतान हैं कवि की जिन पिया सार रसू तजे आन रस होई रसमन डारे भिखुक होई पंक्ति में भिखु खोई में रूपक अलंकार है सार रस भक्ति रूपी रस की ओर इंगित करता है वह यहाँ आन रस सांसारिक आकर्षणों की ओर संकेत करता है रस मगन से तात्पर्य भक्ति के परम रस से प्राप्त आनंद से है जिसे इस रस का आनंद मिल जाए वह वे व्यक्ति सांसारिक आनंदों को विष के समान समझकर खोई अर्थात व्यर्थ पदार्थ की तरह फेंक देगा शिक्षार्थियों अब हम अगला पद पढ़ते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभु जी तुम दीपक हम बाते जाकी ज्योति बरे दिन राती प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोनही मिलत सुहागा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा शिक्षार्थियों इसको सुनने के बाद आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं कुछ भाव कुछ विचार उठे होंगे आइए हम उन पर विचार करते हैं इस पद में कवि प्रभु के समक्ष स्वयं को समर्पित करते हुए ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी की उपमा देता है चंदन की सुगंध भक्त के शरीर के अंग प्रत्यंग में कैसे व्याप्त है सोचिए कल्पना कीजिए पानी मिलाकर चंदन के घिसे जाने की इसी तरह ईश्वर बादल चांद दीपक और मोती है भक्त ने स्वयं को मोर कहा है चकोर बाती और धागे के रूप में व्यक्त किया है उन सब की तुलना करते हुए कवि रैदास भक्त और भगवान के घनिष्ठ संबंधों की बात करते हैं इस पद में जैसा कि आपको स्पष्ट भी हो गया होगा कि यहाँ दास्य भक्ति का सुंदर रूप है भक्त का भगवान से आत्मनिवेदन है कि वह जैसा भी है भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित है उसका अपना कुछ नहीं जो कुछ है वह ईश्वर का प्रकाश और प्रसाद है संत रैदास ने इस पद में ईश्वर और दास का अटूट संबंध व्यक्त करते हुए आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति की है भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही सर्वोपरि है सबसे ऊपर है और भक्त को निरंतर भगवान की उपासना में लगे रहना चाहिए भक्त उस पपीहे की भांति है जो स्वाति की बूंद रूपी ईश्वर के लिए एकाग्र होकर प्रतीक्षा करता है भक्त और भगवान का यह मिलन चंदन और पानी तथा सोने और सुहागे के भांति होना चाहिए इस प्रकार यह प्रेम आत्मनिवेदन से पूर्ण है जिसमें भक्त स्वयं को परमात्मा के चरणों में पूर्णतया विलीन कर देना चाहता है यहाँ संत रैदास ने स्वयं को भगवान का दास माना है इसे दासे भाव की भक्ति कहते हैं जहाँ भक्त अपना सर्वस्व अपने प्रभु को समर्पित कर देता है कवि स्पष्ट करना चाहता है कि भक्त की महत्ता तभी बढ़ती है जब ईश्वर का उसे संपर्क मिलता है दोनों एक दूसरे से अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं जब भक्त में मैं की भावना अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है तभी वह ईश्वर के पास पहुंच पाता है सामान्य रूप से सोने में सुहागा का प्रयोग मुहावरे के अर्थ में किया जाता है जिसका अर्थ होता है कि किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना तात्पर्य यह है कि सोने जैसी बहुमूल्य वस्तु जब सुहागे से मिलती है तो वह और भी निखर जाती है और उसकी दमक और बढ़ जाती है और सुहागी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है अर्थ यह है, है कि जब भक्त भग और भगवान का भेद समाप्त हो जाए खत्म हो जाए तभी भक्ति सार्थक होती है जैसा कि आपने देखा काव्य की व्याख्या करते हैं अथवा उसकी सराहना करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि कवि विभिन्न अलंकारों को अपनी अभिव्यक्ति में शामिल करता है अपनी कविता में शामिल करता है तो आज हम जानते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है जैसे किसी सुंदर स्त्री के मुख्य तुलना यदि चंद्रमा से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा इसमें जिस वस्तु की तुलना अर्थात हम यहाँ पर स्त्री के मुख्य की तुलना कर रहे हैं उसे उपमेय कहा जाता है और जिस वस्तु से तुलना की जा रही है जैसे चंद्रमा हम यहाँ पर स्त्री के मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं तो उसे उपमान कहते हैं अब हम जानते हैं कि रूपक अलंकार किसे कहा जाता है यदि यहीं पर स्त्री के मुख की तुलना किसी ऐसी वस्तु से की जाती कि मुख और उस वस्तु में अंतर करना भेद करना कठिन हो जाता तब यहाँ पर रूपक अलंकार होता क्योंकि जहाँ पर उपमेय और उपमान में आरोप दिखाई देता है अर्थात वे बिल्कुल एक रूप हो जाते हैं वहाँ पर रूपक अलंकार होता है तो शिक्षार्थियों आपको स्पष्ट हुआ कि रूपक और उपमा अलंकार किसे कहते हैं आप रैदास के इन पदों में इन अलंकारों की खोज कर सकते हैं इन्हें पहचान सकते हैं हमने जो दूसरा पद पढ़ा उसमें भिखू खोई में रूपक अलंकार है आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि यहाँ रूपक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उपमेय यानी भिखू अर्थात विष और उपमान खोई में इतनी समानता है इतनी अंतरंगता है कि दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप इन पदों में रूपक और उपमान के अन्य उदाहरण भी खोज सकते हैं अब हम जानते हैं कि दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं जहाँ पर उपमेय तथा उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव झलकता हो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है उदाहरण के लिए कान्हा कृपा कटाक्ष की करे कामना दास चातक चित में चेत जो स्वाति बूंद की आस इसमें कृष्ण की आंखों की तुलना स्वाति नक्षत्र के पानी से तथा सेवक अथवा भक्त की तुलना चातक पक्षी से की गई है किंतु यहां उपमा अलंकार ना होकर दृष्टांत अलंकार होगा क्योंकि तुलना उदाहरण अर्थात दृष्टांत के साथ की गई है अब तक आपने कबीर तुलसीदास आदि द्वारा लिखे हुए दोहे पढ़े होंगे दोहा छंद में दो पंक्तियाँ होती हैं आप जानते ही हैं किंतु आप यह भी अवश्य मानेंगे कि ये देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर की कहावत को चरितार्थ करते हैं अब हम रैदास जी के कुछ दोहे पढ़ते हैं जिन दोहों का हम अध्ययन करेंगे उन सभी दोहों में उन्होंने ईश्वर भक्ति की महिमा का गुणगान किया है पहला दोहा है हरी सा हीरा छाड़ी करी करें आन की आस तय नर जमपुरी जाय सी सती भाषे रैदास कवि रैदास का सत्य कथन है कि ईश्वर भक्ति जैसा हीरा बड़े यत्नों से मिलता है उसे छोड़ने से किसी अन्य सांसारिक मायामोह की ओर मन लगाने वाला व्यक्ति यमलोक ही जाएगा उसे स्वर्ग या इस संसार से मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए अर्थात संसार में केवल ईश्वर भक्ति ही ऐसी अमूल्य वस्तु है कि उसके सामने सभी सांसारिक वस्तुएं फीकी हैं यदि हम सांसारिक मोह में डूबे रहे तो निश्चित ही मृत्यु के पश्चात हमारा पुनः पुनः इस लोक में आना जाना लगा रहेगा अर्थात बार बार पृथ्वी पर हमें जन्म लेना होगा संत रैदास बिल्कुल ठीक कहते हैं कि यदि मुक्ति प्राप्त करनी है और बार बार जन्म लेने के इस चक्र से बचना है मुक्ति पानी है तो उसका एक ही रास्ता है ईश्वर की भक्ति तो शिक्षार्थियों के आप बता सकते हैं कि हरी सा हीरा में कौन सा अलंकार है जी यहाँ उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ ईश्वर की तुलना हीरे से की गई है ऐसा माना जाता है कि धातुओं में सबसे मूल्यवान धातु हीरा है अतः हरि की भक्ति यदि हीरे के समान है तो अन्य सांसारिक वस्तुएं उसके सामने तुच्छ हैं नगण्य हैं इसके साथ ही ईश्वर भक्ति में वह शक्ति है जिसके द्वारा भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है जबकि अन्य सांसारिक वस्तुओं के मोहजाल में बंधने पर मानव की शक्ति कम हो जाती है और खत्म होती रहती है वह उसी में उलझता जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है इसी सत्य की ओर कवि का संकेत है, इस दोहे में दिया गया है संत रैदास ने मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना है और उनके अनुसार यही जन्म भगवत भक्ति और साधना के लिए स्वर्णिम अवसर है इसी देह से परलोक की प्राप्ति होती है अर्थात मानव शरीर के माध्यम से अधिक से अधिक भक्ति की जा सकती है और ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है मुक्ति प्राप्त की जा सकती है शिक्षार्थियों अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं अगला दोहा है रैदास कहे जाके हृदय रहे रैनी दिन राम सो भगता भगवान समी क्रोध न व्यापे काम इस दोहे में भक्ति की महत्ता बताई गई है सदाचरण के लिए काम क्रोध लोभ मोह आदि को त्याज अर्थात क्या करने योग्य माना गया है संत रैदास के विचारानुसार जिसके हृदय में रात दिन राम का नाम है राम का वास है वह भक्त भगवान के समान है ऐसे भक्त को काम क्रोध आदि की माया नहीं सताती क्योंकि वह इन सभी जंजालों से अपने को मुक्त कर स्वयं को नियंत्रित करके ईश्वर भक्ति के परम पद पर पहुंच चुका है ऐसा माना जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह सांसारिक माया मोह है जब तक मनुष्य इन बंधनों में उलझा रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति कर ही नहीं पाता एक बार वह भक्ति के सच्चे मार्ग पर चल पड़े तब इनकी माया उसे नहीं सताएगी क्योंकि तब तक भक्त अपने ईश्वर में विलीन हो चुका होगा यह भक्ति साधना की उच्चतम स्थिति है जहाँ भक्त ब्रह्म को पहचानकर उसमें एकाकार हो जाने का अनुभव करने लगता है और तब वह सांसारिक आकर्षणों से बहुत दूर चला जाता है अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं जा देशे घिण उपजे नरक कुंड है वास प्रेम भक्ति तय उधरे प्रगट जन रैदास रैदास ने समाज में प्रचलित जाति प्रथा के कारण कुछ वर्णों में व्याप्त हीन ग्रंथि को उखाड़ फेंकने के लिए भक्ति का सहारा लिया समाज के आडंबरवादियों को उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि मात्र किसी जाति विशेष में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं हो सकता उसके बड़प्पन की कसौटी उसका चिंतन उसका आचरण और उसका कर्म है इस दोहे में वे इसी विचार की ओर संकेत करते हैं रैदास जी इस दोहे में कहते हैं सामाजिक दृष्टि से नीची कही जाने वाली जातियाँ जिन्हें देखकर ही उच्च वर्ग के लोग घृणा से मुख मोड़ लेते हैं वे लोग जिन बस्तियों में रहते हैं वे नरक के समान गंदी हैं किंतु उन्हीं में से कोई भी मनुष्य ईश्वर भक्ति और प्रेम के बल पर अपने चिंतन और आचरण से प्रभु का भक्त भी बन सकता है उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि रैदास स्वयं भक्ति कर इससे उबर चुके हैं अर्थात रैदास जिन्हें निम्न जाति में पैदा होने का बोध सदा सताता रहता था वे निम्न कुल में पैदा होने के कारण सदैव घृणा के पात्र रहे लोगों की दृष्टि में उनका निवास नरक कुंड था क्योंकि वहाँ दिन रात चमड़े की बदबू से वातावरण दूषित रहता था वहीं रहकर स्वयं रैदास ईश्वर भक्ति के बल पर समाज के लिए आदर्श बनकर प्रकट हुए छोटी जाति में जन्म लेकर भी रैदास ने उच्चतम संस्कार विकसित किए और वे अपने युग के महामानव बने इस प्रकार रैदास ने अपने कुल अपनी जाति और जन्म पर स्वाभिमान प्रकट किया है इन्होंने आचरण और कर्म की गरिमा की केवल बात ही नहीं की बल्कि अपना उदाहरण स्वयं प्रस्तुत किया और सामाजिक चेतना को एक नवीन दिशा दी रैदास ने ज्ञान के सहारे ही अनन्य प्रेम की सीढ़ी चढ़कर ब्रह्म को प्राप्त किया वे मानते हैं कि माया मोह से घिरा हुआ व्यक्ति घृणा का पात्र होता है उसका निवास भी नर्क के समान प्रतीत होता है किंतु यदि इसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पैदा हो जाए उसके ज्ञान चक्षु खुल जाए वह ईश्वर को पहचान ले तो वह सच्चा भक्त कहला सकता है संत दास अपने आचरण में मूलतः संत थे और साधना में लीन रहते थे उनकी भक्ति सहज और सरल थी आप जान ही चुके हैं कि रैदास निराकार ब्रह्म में ही विश्वास रखते थे और उन्हें ही अपना ईश्वर मानते थे उन्होंने परमात्मा को कृष्ण राम गोविंद आदि के नाम से स्मरण किया है वे विद्वान नहीं थे किंतु उनकी वाणी का स्रोत वह स्थान था जहां मात्र साधक ही पहुंच सकता है शिक्षार्थियों संत रैदास ने दोहों और पदों में काव्य रचनाएं की इनके काव्य में रसानुभूति और आध्यात्मिक विचारों की झलक है और ये सभी पद गे हैं अर्थात इन्हें गाया जा सकता है और ये विभिन्न राग-रागनियों में बंधे हुए हैं शिक्षार्थियों यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि संत रैदास की काव्य रचना का जो उद्देश्य था वह साहित्य सृजन बिल्कुल नहीं था पहले वे भक्त थे बाद में कवि फिर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस काव्य की रचना की वह संत परंपरा के किसी कवि की तुलना में कहीं भी कम नहीं थी उनमें काव्य प्रतिभा थी इसी कारण जनता के समक्ष जो विचार वे रखना चाहते थे उसमें वे पूर्णतया सफल रहे अपनी अनुभूतियों के संप्रेषण के लिए उन्होंने भावनाओं को सहज रूप में लिया और अपनी रचनाओं में व्यंजनाओं का प्रयोग किया शिक्षार्थियों आपने रैदास की विभिन्न रचनाओं में भी देखा कि वैराग्य और साधना से युक्त उनकी भाषा में विनम्रता और आत्मसम्मान का भाव है उनके सभी पद ब्रज भाषा में रचित हैं किंतु उनमें पूर्वी अवधि के शब्द जैसे मती बुछी गन तोर आदि से अवधि का पुट भी आ गया है शिक्षार्थियों अब हम बात करते हैं रैदास के काव्य की भाषा की रैदास के काव्य में खड़ी बोली की विभक्तियों तथा उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है जैसे गरीब निवाजू आदि स्थानीय शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है जैसे सू सब मिलाकर रैदास की भाषा भावों के सांचे में ढली है यदि हम रैदास के काव्य में अलंकारों की छटा की बात करें तो उनके काव्य में रूपक के बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जैसे जिनी पिया सार रस, तजे आनु रस होई रस मगन डारे बिखुख होई जैसा हमने पहले भी बताया था सार रस और भिखू खोई में रूपक अलंकार है इसी प्रकार हरी सा हीरा छाणी करी करें आन की आस में हरी सा हीरा में उपमा अलंकार है तो शिक्षार्थियों हम एक बार दोहरा लें कि आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या क्या सीखा आज हमने सीखा कि रैदास द्वारा रचित पदों और दोहों में भक्ति रस का माधुर्य भाव भरा हुआ है जिन्हें स्वस्वर भी गाया जा सकता है रैदास के पद और दोहे भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं इनमें सदैव इस बात पर बल दिया कि किसी भी कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता सच्ची भक्ति मात्र से मानव उच्च श्रेयस्कर पद प्राप्त कर सकता है ईश्वर भक्ति ही सच्ची भक्ति है जब भक्त और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता तब ही मनुष्य की भक्ति सार्थक सिद्ध होती है भक्त और भगवान के संबंध को कवि रैदास ने अलग अलग ढंग से स्पष्ट करने की चेष्टा की है जैसे चंदन पानी घन मोर दीपक बाती मोती धागा चांद चकोर सोना सुहागा आदि रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जिसमें यत्र तत्र अवधि की शब्दावली भी शामिल है वैसे आपने जगह जगह अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है तो शिक्षार्थियों आज के इस कार्यक्रम में हमने रैदास के कुछ पदों और दोहों को पढ़ा और जाना मैं आशा करती हूं कि आपको इस चर्चा से मदद मिलेगी धन्यवाद हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है उन्हें अवसर चाहिए एन आई ओ एस दिता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का एन आई ओ एस ऐसी पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर एन आई ओ एस के साथ आप भी जुड़िए एन आई ओ एस के संग